राधे राधे मित्रगणों, कैसे हो सब। तो आज CWL तुम्हें पता है कब की स्टार्ट हो चुकी है, ऐसे मैं आज बोलने वाला था। तो दो CWL हो चुकी है और इस बार 7 की जगह सिर्फ 5 CWL है। पता नहीं क्यों अपडेट आया है नया, तो उसमें इन्होंने इसको छोटा कर दिया है। शायद से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है क्लाइंट का इसलिए। और सबसे पहले हम दो वार कर चुके हैं और तुम्हें दिख रहा है दोनों वारों में हम वैसे जीत चुके हैं लगभग क्या मतलब अच्छे से जीते हैं और हम नंबर 1 पे ही चल रहे हैं अभी। अब शायद से इन्होंने ना मतलब अब हम ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ज़्यादा वाला मिसमैच हो गया है, क्योंकि अभी तक जो भी दो मैच आई हैं मतलब जो नया अपडेट आया है, ऐसे क्लैश ऑफ क्लैन बहुत टाइम से इसको ठीक करने की सोच रहा था या इन्होंने इस बार ये ठीक कर दिया है। इस बार ना मतलब थोड़ी कैजुअल सी मैचिंग आई है, मतलब आप ये भी नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल लुलुआ सी है। तो अभी तक दो मैच जो आए हैं उसमें हमने देखा है ठीक ठाक वॉर बेस आए हैं और ठीक ठाक एनिमी वगैरह आए हैं, मतलब ऊपर थोड़े थोड़े बड़े भी हैं ताकि वो स्टार भी निकाले और नीचे थोड़े लुल से भी हैं, मतलब टाउन 12-13 भी हैं। तो इस बार मैचिंग अच्छी हुई है। तुम्हारे क्लैन में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, मुझे कमेंट करके बताना कि ये COC ने सच्ची में ठीक कर दिया है कि नहीं करा। वन में आ जाते हैं और कुछ अटैक देखते हैं, ठीक है। पहले है द डार्क एम्परर का अटैक और इसने करा है तीसरे पे, और तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे पॉइजन स्पेल, और पॉइजन स्पेल करा पहले इसने यहाँ पे एक लूप होल दे रखा है, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे छेद दे रखा है इसने यहाँ पे, पर यहाँ पे डालने का कोई फायदा नहीं है, फिर इनविजिबल गियर के डाल सकते हो, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है इसने अपना ब्लिंप डाल दिया, और ये जो पॉइजन के वो होते हैं ना रेडियस, इसको पहले चेक कर लिया करो, और अगर तुम्हें फिर भी एमरजेंसी है मतलब तुम्हें जाना ही जाना पड़े उस रेडियस के अंदर, तो तुम तब भी क्या कर सकते हो, जो रेडियस है ना उसमें जब तुम्हें पता हो तुम्हारा ब्लिंप पहुंचने वाला है। इनविजिबल का मतलब क्या है, गायब हो जाना, तो तुमने इनविजिबल घेरना ताकि जो थोड़ा सा डिस्टेंस भी बचा हुआ है ना वो भी तुम्हारा ब्लिंप इनविजिबल करके वो करे, ट्रैवल करे, ताकि उसको तुम दिखो ही ना, मतलब इनविजिबल स्पेल को। तो ये दो चीज़ याद रखना, एक तो रेडियस देख लेना, फिर भी करना है तो इनविजिबल करना पड़ता है, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है ब्लिंप ने काफ़ी अच्छी वैल्यू खा ली है और इसकी CC में से निकले हैं लावा होंड। इसने अब एक तरफ से डाल दिया रॉयल चैंपियन और इसने हीरो बूस्ट कर रखे हैं, हाँ बूस्टी करे हैं, हीरो बूस्ट कर दिए, और जो लावा होंड है ना ऐसे तुम्हें दिख रहा है अटैक चल रहा है, यहाँ पे एक पॉइजन स्पेल है। तुम्हें पता है सबसे बकवास थी, मुझे सच्ची में कसम से कह रहा हूँ पॉइजन स्पेल ही लगती है, मतलब एक कल्ला पॉइजन स्पेल है जिसको देख के थोड़ा डर लगता है, मतलब डिफेंसिव तो क्या करते हैं डैमेज करती है ना भाई, ये पूरी आर्मी को बहुत तगड़ा डैमेज करती है, तो पॉइजन स्पेल से थोड़ा तो डर लगता है भाई। तो तुम्हें दिख रहा है इसकी रॉयल चैंपियन ने अलग भसोड़ी मचा रखी है, मतलब ये तो उलझ ही गई है, लगता है इसकी पनौती अभी तक नहीं उतरी है। तो अगर तुम्हें समझ नहीं आया पनौती का मतलब, तो इसका मतलब तुमने हमारी फ्रेंडली वॉर नहीं देखी है, देखी नहीं तो देख लेना उसको भी, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है बहुत ही इजीली भाई यहाँ पे पावरफुल अटैक मारा हुआ है और टाउन हॉल 16 है इसके पास, तभी इसके हीरो 95 के वो रखे हैं, तो जाहिर सी बात है चटनी बन जाएगी बेस की। तो और वैसे भी ब्लिम से बहुत अच्छी वाली हमने वैल्यू खा ली थी, पर मुझे जो लावा होंड था ना उससे एक बात याद आई, अगर तुम्हारी क्वीन पे लगे हुए हैं हीलर्स और इनविजिबल और तुमको पता है सामने वाले बेस में ना लावा होंड है और तुम हाइब्रिड करते हो और तुमने फिंगर भी उतारी है, तो तुम अपना टाइम वेस्ट करने से बच सकते हो, क्वीन को इनविजिबल कर दो और जो हीलर होती है वो तो हवा में होती है, तो लावा होंड उनको ट्रिगर नहीं करता है, वो वहाँ से भाग के ना आपकी फिंगर पर चल जाता है। हमने ये एक वॉर में देखा था, मतलब छोटी छोटी चीज़ें ये होती है जो ऑब्जर्व करते हैं ताकि उससे कोई ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। तो लावा होंड आपका टाइम बर्बाद नहीं करेगा और उसका डैमेज इतना कम होता है कि आपकी फिंगर भी नहीं टूटेगी। तुम्हें दिख रहा है पहला अटैक हो चुका है, तो दूसरा अटैक आ चुका है तुम्हें जैसा दिख रहा है। इसके पास भी पड़े हैं यहाँ पे रे स्पेल, और रे स्पेल पॉइजन स्पेल नहीं है, टाउन हॉल और मतलब भाई कंपार्टमेंट थोड़ा कोर वाला टाइप का है, कोर वाले साइड बना रखी है इसने, इसकी क्वीन 91 की है। मुझे लगता है जो नए नए अपडेट आने वाले हैं 95 तो हम पहुँच ही चुके हैं, एक दिन वो भी आएगा कि क्वीन 16 लेवल की हो जाएगी, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जैसा कि हमको पता ही है, आने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा है हमारी जो ब्लिंप है वो पहुंच चुका है सेंटर में, और जो लून है वो पीछे की बिल्डिंग खा चुके हैं। पीछे की बिल्डिंग आने से क्या होता है, अब आपकी जो आर्चर्स है वो आगे को ध्यान रखेगी, क्योंकि पीछे तो कुछ ज़्यादातर है नहीं ना। यहाँ पे एक बिच निकल चुकी है जो अपने छोटे 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 बेबीज बनाई जा रही है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही है, तीन बिच होती है तो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये देखो वो बहुत सारे ज़्यादातर वो अपने बेबीज बना देती है। तुम्हें दिख रहा है बहुत सारी वैल्यू अच्छी खासी यहाँ खा चुके हैं, और अब अभी भी हमारे पास एक इनविजिबल पड़ा था जो उन्हें लास्ट में घेर दिया है, और अब यहाँ पे ना बहुत कम सा इलाका रह गया है, तो तुम भी भाई ब्लिज़ार्ड मारो बहुत ज़्यादा सही रह जाएगा। और मतलब भाई CWL में सिर्फ दो ही अटैक चल रहे हैं, या तो इलेक्ट्रो स्पैम चलता है या अब ब्लिज़ार्ड चल रहा है, क्योंकि ब्लिज़ार्ड में भी आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं। CWL में सिर्फ यही अटैक करो, टाइटन अगर तुम्हारे पास बड़ा टाउन हो रहा है तो टाइटन काफ़ी अच्छी रहती है, देखो लावा उनके छोटे छोटे बेबीज जैसे पैदा हुए वैसे ही मर गए, अकाल मृत्यु होगी इनकी। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे भाई, पर एक बात जो मर्जी बोलो भाई, दिखने में ना बहुत पावरफुल से बनाया है इन्होंने टाउन हॉल 16 के जितने भी डिफेंसेज है, पूरी की पूरी आर्मी आ चुकी है, और अपने कैमल राइडर जो है ना उनके पास HP अच्छी होती है तो वो अच्छा डैमेज ले सकते हैं, हालांकि यहाँ पे टाउन हॉल 16 का जो एक्सपो है तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है। ये क्वीन का एरो बहुत ज़्यादा मुझे इसीलिए बकवास लगता है, तुमने देखा पूरा एरो सक करके गया और पता नहीं कितनी बिल्डिंग को टकराया कितनी को नहीं टकराया, मुझे इसलिए बकवास लगता है, मैं इसलिए इसको लगाता नहीं हूँ।
क्वीन की वो एबिलिटी ज़्यादा सही हो जाती है। हालांकि मैं तुम्हें क्वीन कॉम्बिनेशन की एक चीज़ भी बताऊंगा, जैसे तुम्हें दिख रहा है पर रॉयल चैंपियन दूसरी तरफ से डालती है उसने, तो तुम्हें जो क्वीन का कॉम्बिनेशन होता है ना उसमें नॉर्मल चीज़ होती है, आपकी क्वीन इनविजिबल होती है और उसके बाद उसको एक अलग चीज़ मिलती है, जैसे कि एक तो एचपी मिल जाती है उसे, साथ में उसके बाद बहुत सारी आर्चर आ जाती है छोटी। अब एक जो आर्चर होती है उसकी एचपी होती है 56 करीब, ठीक है, और तुमको 25 मिल जाती है, तो कुछ एवरेज हिसाब से तुम्हें एक एचपी मिल जाती है, मतलब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो डिफेंसिस उन पे बिजी रहती है। और अगर तुम हीलर लगाते हो तो उसमें भी तुम्हें एक एचपी मिल जाती है, क्योंकि जो हीलर होती है उसकी भी अच्छी खासी एचपी होती है, तो तुम्हें वो भी मिल जाती है। अब दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है, मतलब जिसमें ज़्यादा तुम्हें एचपी मिलेगी, जिससे डिफेंसिस ज़्यादा देर तक बिजी रहेंगी और क्वीन को ज़्यादा टाइम मिलेगा, वो चीज़ तुम देख सकते हो। जैसे कि जो हीलर होते हैं वो काफ़ी अच्छे रह जाते हैं, क्योंकि जो आर्चर होती है तुम्हें पता अगर कोई एक्सबो है या बम निकला तो एकदम से मर जाएंगी, पर जो हीलर होती है वो एटलीस्ट जितनी देर भी बचेगी, चाहे भाई मतलब अब वो तुम्हारी किस्मत है, तुमने जैसी एबिलिटी दी तभी तुम्हारा माइंड निकल गया, वो आते ही मर गई। हील स्पेल काफ़ी अच्छा है ना, तो तुम 2-3 अटैक उसमें झेल सकते हो और तब तक तुम्हारी जो हेल्थ है वो भी रिकवर होएगी। साथ में जो हीलर होती है तुम्हें पता होगा भाई उनकी अच्छी खासी एचपी होती है, तो उस पर डिफेंस बिजी भी रहेगी, तो जितनी ज़्यादा डिफेंस बिजी रहेगी क्वीन ज़्यादा फ्री रहेगी उसमें, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है मेरे ख्याल से हीलर वाला, हाँ उसको अपग्रेड करने के। लेकिन बाद तुम्हें दिख रहा है एक और ये वाला बेस तो इतना पुराना है बाबा आदम के ज़माने का बेस है भाई ये। तुम्हें दिख रहा है जो एक्सबो कंपार्टमेंट होता है ना, यहीं पे अपनी सुपर आर्चर उतारा करो, क्योंकि यहाँ से तुम टनल को भी ट्रिगर कर सकते हो, और साथ में जो दो एक्सबो होते हैं उनके बीच में कोई टाइल का गैप नहीं है, यानी कि वहाँ पे कोई भी नेड टोर्नेडो अंडरफंड कुछ भी नहीं रखा हुआ, ठीक है, मतलब तुम एकदम सेफ जगह पे लैंड करोगे। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे इसका टोर्नेडो हमको नहीं मिला है, पर ज़्यादातर लोग यहाँ पे टोर्नेडो रखते हैं, पर जो एक बेस होता है ना यार उसको थोड़े टाइम पर चेंज कर लेना चाहिए। अब ये यहाँ पे एक चीज़ और देखो, इसका सिर्फ रेस पर सिर्फ एक बिल्डिंग को कवर कर रहा है, एक इन्फर्नो सिर्फ एक भाई, ऐसे मतलब यार क्लैश ऑफ क्लैन की कम्युनिटी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ भाई, अपने बेसों पर थोड़ा ध्यान दो, तकड़ा बनाओ उन्हें ताकि लड़ाई लड़ाई करने में मज़ा आए। लड़ाई से याद आया, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं भाई, क्या लिखा है, कमेंट्री तो सही लगती है, ओके मैं क्या बोल रहा था, मैं मेरे को ट्रैक से भटका दिया भाई से तारीफ करके, कुछ बोल रहा था मैं आबरा का डाबरा। हाँ, जो भी लोग फ्रेंडली वॉर के लिए हमको बोल रहे हैं क्लैन में आने के लिए, मतलब बातचीत करने के लिए, तो वो सब के लिए एक्सेप्टेबल है भाई, मतलब सबके साथ क्लैन वॉर करेंगे हम, मतलब फ्रेंडली वॉर करेंगे, पर अभी CWL चल रहा है उसके बाद से हम वो शुरू करेंगे, तब तक के लिए बस मतलब यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब तुम्हें दिख रहा जो भी तुम्हारे बेस में ऐसी चीज़ें होती है ना उसको अपडेट कर लिया करो। और एक चीज़ और याद आई हाँ मुझे इसी बेस से, तुमने अभी ये अटैक खत्म होने देते हैं, तुम्हें दिख रहा है जो ब्लिम था उसने चिकन वैल्यू खा ली, उसका तुमको आर्मी को बटा देना होता है या कट्ठे चला दो, मर्जी होती है कट्ठे में, लेकिन आर्मी एक साथ नहीं डालनी है, वरना जो बाकी ट्रूप होंगे ना वो अपने सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे होते, कुछ करते नहीं है, इसलिए अलग अलग डालोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे एक रेस पेल था वही चार्ज हो रखा है, अगर ये थोड़ा इस रेस पेल के डब्बे को चक के इस साइड भी रख देते ना तो ये एक्सबो भी तकड़ा डैमेज देता, और हो सकता है ये जो किंग गया ये मर जाता, हो सकता है भाई, क्योंकि एक्सबो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, कभी तुमने देखा होगा तो तुम्हें दिख रहा है अपने बेस में हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करा करो, मतलब जो तुम्हारे बेस में अटैक होते हैं ना उनको एग्जैक्टली ऑब्जर्व करा करो। और ऑब्जर्व करने से मुझे एक चीज़ याद आई, अभी मैं बताऊंगा, मैंने बोला मैं दो बार बोल चुका हूँ बताऊंगा, मतलब अटैक खत्म होने तो मैं इसको स्पीड अप कर देता हूँ। अगर इसे रेस पर इधर रखा होता ना तो हो सकता है भाई ये जेनेसू का थोड़ा सा अटैक फेल हो सकता है। तुम्हें दिख रहा है इसकी जो क्वीन है ना कितनी सी हेल्थ थी उसकी, अगर एक्सबो यहाँ पे चार्ज हो जाता रेस पेल से तो दिख रहा है तुम्हें तुम्हारा बेस बहुत पावरफुल हो सकता है अगर तुम ध्यान दोगे उस पर। हाँ, तो मैंने बेस के ट्रैप हटा लिए हैं, तो ये जो जिसने बेस ये देखा है, मतलब हमने मैं लेके आया था थोड़ा टाइम पहले, इसको तुम्हें पता है मतलब जितने अटैक होते हैं मैं उस पर ऑब्जर्व करता हूँ, और तुम्हें पता है मैंने इसको ना बहुत तकड़ा वाला ऑब्जर्व कर लिया है, और इस बार मैंने इसको नया अपडेट करके बना दिया है, तो जो अपडेट वाला लिंक है मैंने उसी वीडियो में ना अपडेट कर दिया। अगर तुमने ये बेस कहाँ से कॉपी करा है तो तुम अपडेट लिंक पे क्लिक करके अपना बेस अपडेट कर सकते हो उस लिंक के हिसाब से, और अगर नहीं करना है तुमने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करा हुआ है तो वो तुम्हारी मर्जी है। तो सामने तुम ऐसे सुपर ड्रैगन का अटैक मांग रहे थे, इसलिए एक और मैं आप CWL की वो रिकॉर्डिंग लेके आ चुका हूँ, क्योंकि तुम्हें पता जाता है ना CWL में क्या बचते हैं, ब्लिजार्ड बचते हैं, और मैं एक ही ब्लिजार्ड तुम्हें कितनी बार दिखाऊं। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे ना जो हमारा यश पांडे है भाई ये करता है सुपर ड्रैगन का, और सुपर ड्रैगन में सिर्फ पाथ देना होता है और वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेते हैं। तुम्हें दिख रहा है इसने ना यहाँ पे क्वीन से क्लीनिंग करी है और बाहर वाली साइड क्लीन करी है ताकि जो तुम्हारी आर्मी है ना उस साइड को देखे ही ना। अब वो साइड क्लीन हो गई ना, हालांकि थोड़ी सी और क्लीनिंग कर सकता था, मैं होता मैं करता, मैं टेस्ला फार्म पूरा उड़ा देता, वेट कर लेता मैं। तो तुम्हें दिख रहा है इसने क्वीन बिल्कुल अब अलग साइड डाल दिया और किंग भी उतार दिया ताकि अब वो उस साइड बिजी हो जाए, और वार्डन की अब देखो इसने वार्डन की एबिलिटी दी पर पता नहीं क्यों दी, सिर्फ एक ईगल चली हुई थी। तुमने देखा यही चीज़ है, तुम बोलता हूँ वार्डन की एबिलिटी देने से पहले देखा करो कितनी डिफेंसिस चल रही है, 2 से ज़्यादा चलती है तो यूज़ कर लिया करो 2 या 3 से। तुम्हें दिख रहा है अब उस साइड कुछ है नहीं, अब जैसे ही वो स्कैटर शॉट टूटेगा अब सारी आर्मी इधर को ही रहेगी ना, क्योंकि तुमने उस साइड की तो क्लीनिंग कर दी, हालांकि एक सुपर ड्रैगन जा चुका है पर कोई चक्कर नहीं है।
बस तुमने यही करना होता है, तुमने अपनी आर्मी को इकट्ठे रखना होता है। तुम्हें दिख रहा है जो टाउन हॉल है वो भी हमने निकाल लिया है, वार्डन पे रेजियम लगा हुआ है। कितने का रेजियम है इसका? छठे लेवल का रेजियम है, और ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तो सुपर ड्रैगन करोगे, तुम्हें दिख रहा है सुपर ड्रैगन आधे से ज़्यादा बेस खा चुके हैं, उनकी एचपी खत्म नहीं होती है यार। उनकी एचपी तो बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे 7,500 बहुत एचपी होती है। अगर नॉर्मल ड्रैगन होते तो मर जाते ईगल से, पर ये सुपर ड्रैगन है तो इसलिए मरते भी नहीं है। ईगल मतलब कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। तो तुम्हें दिख रहा है रॉयल चैंपियन भी आ चुकी है, और रॉयल चैंपियन कब डालनी होती है? जब तुम्हारी आर्मी तुम्हें लगेगा ना कमज़ोर हो चुकी है, मतलब थोड़े कम रह गए हैं तुम, मतलब समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ। तो जब तुम्हें पता है थोड़ी कम रह गई है तब तुम रॉयल चैंपियन डालते हो, ताकि अब तुम्हारी जो आर्मी लूज़ कर चुकी है थोड़ी पावर, वो थोड़ी और गेन कर ले। तो तुमने बस इस हिसाब से डालना होता है। तो मुझे कह रहा है भाई लगभग इसके भाई सुपर ड्रैगन जिंदा है यहाँ पे, 3-4 अच्छे खासे क्वीन की एबिलिटी भी इसने बचा ली है। एक एक्सबुक ग्राउंड में पड़ा हुआ है, तो रॉयल चैंपियन तो पेल दिया है, पर सुपर ड्रैगन को कोई नहीं छू सकता भाई अब, और उसको यहाँ पे कर देते तेज। तो ये हो गया भाई एक और अटैक जो तुम मांग रहे थे सुपर ड्रैगन वाला। अब CWL में ज्यादातर हम ऐसे ही अटैक करते हैं, तो बार बार एक ही ब्लिजार्ड दिखाने का फायदा नहीं है। अब मैं पीसी से खेल रहा हूँ तो गड़बड़ हो सकती है, पर तुमने कहा था कि भाई टाउन हॉल 10 का, मतलब एक बंदे ने कमेंट करा था, तो उसके लिए भी भाई टाउन हॉल 10 से अटैक करने चलते हैं। जिसको टाउन हॉल 10 नहीं देखना है वो ये पार्ट स्किप कर सकता है। तो तुम्हें दिख रहा है हमारी टाउन हॉल 10 की आईडी आ चुकी है, और यहाँ पे मैं नॉर्मली अटैक, अच्छा सीसी भरी हुई है ठीक है। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे मैं नॉर्मल, मतलब इस बेस में करना होगा था पूरा मैक्स हो रखा है, तो इसमें खेलने का मन भी नहीं करता इतना, मतलब कुछ है नहीं इसमें करने के लिए। हालांकि मैं इसमें चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ, जैसे कि जो किंग है उसको मैक्सिमम करना है, मतलब जिसका ग्लव इसको मैक्सिमम करना है। तुम्हें दिख रहा है एक बार अपडेट हो चुका है, दो बार भी कर सकते हैं ठीक है। अगली बार जो अपडेट होगा तो 15 सेकंड की इनविंसिबल वाली एबिलिटी हो जाएगी। तुम्हें दिख रहा है मैं यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आता हूँ, और तुम्हें अटैक देख लिया कौन सा है, अब यही करने जाएंगे। और ये काफ़ी पावरफुल है, और सिर्फ एक कम्पैक्ट बेस, मतलब कोई छोटा बेस हो बड़ा बेस हो कोई चक्कर नहीं है भाई, क्योंकि ना टाउन हॉल 10 पर कोई ऐसी डिफेंस है नहीं ज़्यादातर जो आपके सुपर ब्लिजार्ड को एकदम से मार दे। तुम्हें दिख रहा है बेस आ चुका है, सीधा सीधा जाएंगे। अब ये देखो दोनों एयर स्वाइपर बिजी है, अब इसमें हमारी गलती नहीं है, इसको यहीं से डालेंगे, मतलब आप दूसरी सबसे भी डाल सकते थे। सिर्फ तुमने डालना है, उसके बाद तुमने क्या करना है, तुम्हारा एक हील इस पहला जितनी भी डिफेंस डैमेज देती है उसको रिकवर कर लेता है तुम्हारा टाउन हॉल 10 का डिफेंस। अब मैं थोड़ा सा स्लो हो सकता हूँ क्योंकि मैं माउस से क्लिक कर रहा हूँ। फटाफट गिरेंगे यहाँ पे, गिर जा और यहाँ पे ये मर जा, मरना मत। देखो बहुत सारी चीज़ें आ गई है भाई यहाँ पे, वो देखो भाई गजब। इसमें यही मज़ा आता है, तुम इसको जमा भी सकते हो एक फ्री स्पेल गिर के, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये चीज़ जमानी है। जैसे मैं यहाँ पे जमा सकता हूँ पर मैं जमा नहीं रहा हूँ। तुम्हें दिख रहा है टाउन हॉल 10 पे ना कोई भी टाउन हॉल 10 तुम ऐसे बहुत ही प्यार से उड़ा सकते हो, हद से ज़्यादा। अब वो बात बिल्कुल ही अलग है कि उसमें बिल्कुल ही सब कुछ दो दो तीन तीन टाइल दूर पड़ा हुआ है, तो बात अलग है। उसके बाद तुम्हें पैटर्न बनाना होता है, जैसे कि तुम्हें दिख रहा है यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, दो ये डालेंगे और इसके बाद अपने किंग और क्वीन को एक तरफ को ले जाएंगे ताकि वो एक तरफ को ही रहें। तुम्हें दिख रहा है अब यहाँ पे एक वो पड़ा है मल्टी इन्फर्नो, यहाँ पे अपने किंग डाल देंगे, यहाँ पे अपने क्वीन डाल देंगे फटाफट, अगर टाइम भी वेस्ट ना हो। अपने पास एक और वो पड़ा है बेबी ड्रैगन, इसको भी यहाँ पे डाल देंगे। अपने पास यहाँ पे पड़े हैं, तुम्हें दिख रहा है पूरे फेस पे कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं बचा हुआ, तो तुम्हारे जो अब लावा हुंड है वो सीधा उस चीज़ को ट्रिगर कर लेंगे, मतलब किस चीज़ को, कोई भी डिफेंस को। तो यहाँ से लावा हुंड डाल देंगे, एक दो तीन चार ठीक है, चार उसमें डाल दिए। अगला यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है एक और मल्टी इन्फर्नो है ठीक है, तो यहाँ से एक और डालेंगे। तुम्हारे पास वॉलपेपर वो पड़ी है, तुम वॉल ब्रेक कर सकते हो यहाँ से ऐसे करके। अब मुझे ना सब जगह ध्यान देना पड़ रहा है क्योंकि मैं माउस से क्लिक कर रहा हूँ, तो नीचे ऊपर सब जगह देखना पड़ रहा है। ऐसे करके तुम जमा सकते हो, और एक ये जो है इसको घेर देंगे तो ये दोनों चीज़ कवर कर लेगा जिससे हम स्प्लैश डैमेज मिल रहा था। तो ऐसे करके तुम टाउन हॉल 10 को उड़ा सकते हो। मैं अभी ये नहीं बोलूँगा कि उड़ गया है, किंग की एबिलिटी दे देंगे ताकि वो कंपार्टमेंट तोड़ दे और अंदर वाली चीज़ों को क्लीन कर ले। क्वीन की हमारे पास एबिलिटी पड़ी है, कुछ बेस में बचा रही है, और सीसी होता है ना भाई वो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं, जो तुम स्टार्टिंग में बेबी ड्रैगन डालते हो किंग वगैरह डालते हो वो सीसी खा लेती है। तो ऐसे करके तुम टाउन हॉल 10 को उड़ा सकते हो, कोई भी वॉर में आता है कुछ भी आता है। तुम बहुत प्यार से, तुम्हें दिख रहा है कितनी सारी आर्मी यहाँ बच चुकी है। तो ये टाउन हॉल 10 का अटैक जो तुम मांग रहे थे कमेंट में, तो ये भी ले आया है। अब इस वीडियो की गेम प्ले को ख़त्म करते हैं, और CWL में भाई ज़्यादातर स्पैमिंग ही होती है। तो अभी ये जो वीडियो थी ये मैंने रैंडम ही बना दी ठीक है। अभी जो सुपर ड्रैगन ब्लिजार्ड मांग रहे थे, इस बार मैं जो करूँगा, मेरी दो आईडी है इसमें, मतलब CWL में, तो जो वो दो आईडियों से मैं अटैक करने वाला हूँ उसमें मैं एक सुपर ड्रैगन ब्लिजार्ड करूँगा, तो वो मैं अगली वीडियो में तुम्हें दिखाऊंगा। तुम वो भी यूज़ कर सकते हो अपनी CWL में या बाकी की वॉर में भी कर सकते हो। तुम्हें दिख रहा है यहाँ बेस 3 स्टार हो चुका है, और वीडियो को खत्म करते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। टिल देन स्प्रेड लव। जय श्री कृष्णा, बाय बाय, लव यू ऑल।